हेलो दोस्तों, सामने आप अपने देख रहे हैं ह्यूंडई की ग्रैंड आई टेन नियोस। भाई ग्रैंड आई टेन नियोस का अभी टॉप वेरिएंट एस्ट्रा वेरिएंट देख रहे हैं, जिसका टॉप आता है एस्ट्रा वेरिएंट। आज भाई इसके बारे में जो कुछ जितने भी फीचर्स में दिए गए हैं BS6 फेस 2 के हिसाब से जो इसमें आया है नया, भाई चेंज तो आप देख रहे हो लेकिन BS6 फेस 2 वाली चीज़ें जो इसमें डाली गई हैं सेफ्टी के हिसाब से, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसको कवर करते हुए मार्केट में ह्यूंडई ने अपना नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, नया फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है नई चीज़ों के साथ। ओफो भैया शांत हो जाओ, बस बस बस। हाँ भैया, हम लोग कहाँ पे थे? एस्ट्रा के ऊपर। तो भाई इसका कंप्लीट हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है। वीडियो में तक बने रहिएगा और भाई वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई फ्रंट से बात करते हैं, क्या कुछ उसमें देखने को मिलता है। फ्रंट में जो आप यार देख रहे हो भाई, तीखी बिल्कुल आंखें हैं इसकी, बिल्कुल जो मुझे लगती है ग्रैंड आइटम नियोस को देख के एक ही बस याद आता है कि इसकी तीखी कटीली आंखें जो मुझे लगती है, ये पूरा आपको भाई देखने को मिल जाती है। DRL नीचे आपको ये देखने को मिल जाती है कुछ वाई के स्टाइल में, और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कुछ प्रकार से। बाकी बीच में ह्यूंडई का लोगो आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर पूरी ग्लॉसी ब्लैक में आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है कुछ प्रकार से। ये कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलती है पूरी गाड़ी। फ्रंट की विड्थ आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी, उस प्रकार से देखने को मिलती है। तो मोटा मोटा आगे कुछ प्रकार से बात हो गई, ये कुछ देखने को मिलता है इसके फ्रंट में, जो भाई तीखी आंखों वाला इसका फ्रंट आता है। साइड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर भाई साइड जो लुक है आपका कुछ प्रकार से देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा भाई स्विफ्ट जो इस समय ना वही घिसी पिटी चल रही है, लेकिन जब से ह्यूंडई ने ग्रैंड आइटन नियोस को निकाल दिया मार्केट में तो अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी तगड़ी गाड़ी होने वाली है मार्केट में। काफ़ी अच्छी सेल भी ला के दे रही है ह्यूंडई वालों को समय ये। और बाकी साइड की हम लोग ओवरऑल बात कर लें तो एस्ट्रा वेरिएंट में आपको भाई अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं डायमंड कट के साथ। प्रोफाइल की बात करें सबसे पहले एक अच्छी चीज़ है, गुडियर के टायर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और अगर मोटी मोटी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ देख सकते हो 175/80R15 का आपको टायर देखने को मिल जाता है डायमंड कट में, जो कि भाई काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। बाकी भाई ओवरऑल साइड लुक आप अपना देख ही रहे हैं, यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाता है, साइज साइज में आपको देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर, तो मतलब कि भाई आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल ही जाती है जब रिक्वेस्ट सेंसर है तो। और यहाँ पर भाई रूफेल के डिज़ाइन में थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रिप टाइप की देखने को मिल जाती है, आप रूफेल्स मानो या कुछ भी मानो तो भाई देखने में जो लुक को काफ़ी अच्छा बना देती है। GI10 की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और बाकी ओवरऑल जो लुक है उस प्रकार का देखने को मिलता है। हाइट और लेंथ की बात करें तो आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी भाई, उस प्रकार की अंडर 4 मीटर में आती है आपकी गाड़ी, ये हाइट और लेंथ आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल पीछे की बात करें तो भाई टॉप वेरिएंट एस्ट्रा में एस्ट्रा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, नीचे नियोस की बैजिंग, ह्यूंडई का लोगो, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्योंकि टॉप वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। ग्रैंड आइटन की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पर ये भाई आपको देखने को मिल जाता है डिफ्यूज फॉर्म में जलती हुई लाइट, ये वाई वाला सीन है ना आगे जो DRL में, वही सीन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ भी जलता है और आगे भी जलता है। तो और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रेड कलर का पीछे टेल लैंप, टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिवर्स लैंप, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर नीचे देखने को मिल जाते हैं कुछ प्रकार से आपके सामने, और रिवर्स यहाँ पर रियर में वाइपर भी देखने को मिल जाता है, डिफॉगर देखने को मिल जाता है, हैवॉन स्टॉप लैम्प के साथ साथ शार्क फिन एंटीना जैसे काफ़ी अच्छे जो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स वगैरह हैं वो आप देखने को मिल जाते हैं। तो वही रियर की बात तो हो गई, और बाकी नीचे जो आप यहाँ पर देख रहे हो जो रिफ्लेक्टर वगैरह है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है स्किड प्लेट जो स्पोर्टी सी लगती है। ओवरऑल ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो कम्प्लीटली उस प्रकार से ये पूरी आपको देखने को मिल जाता है साइड का पूरा व्यू। तो भाई चारों ओर से मैंने आपको गाड़ी दिखा दी है कैसी लगती है देखने में, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। लुक की बात करें जो इनहांस किया है ह्यूंडई वालों ने, अलॉय व्हील चेंज किया, आगे का डिज़ाइन पीछे का डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है उस प्रकार से, इलेक्ट्रिकली फोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टर देखने को मिल जाते हैं स्टॉप वेरिएंट एस्ट्रा में। तो ये भाई पूरा बार बार का हो गया। बाकी फ्यूल की बात करें तो फ्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फ्यूल कितने लीटर का आपको टैंक देखने को मिलता है स्क्रीन पर शो हो ही रहा है आपके। बाकी भाई बात करें अगर इंटीरियर की तो इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है इसके, तो यहाँ पर कुछ प्रकार से ओपन करेंगे डोर की अगर हम लोग बात करें तो भाई मोटा मोटा डोर आप यहाँ देख सकते हो ग्रे, और यहाँ पर फिर लाइट ग्रे कह सकते हैं, इसे डार्क ग्रे कह सकते हैं कुछ प्रकार से देखने को मिलता है, पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिलता है, यहाँ थोड़े डिज़ाइन वगैरह है। और बाकी यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, ट्विटर वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलता है आपका यहाँ पर लेवर। और बाकी यहाँ पर चारों पावर विंडो एंटी पिच वाली आपको देखने को मिलती है ड्राइवर साइड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट इलेक्ट्रिकली फोल्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं आपके ओआरवीएम जैसा मैंने आपको बताया था, बॉटल होल्डर यहाँ देखने को मिलता है, अंदर सीटिंग की बात करें तो उस प्रकार का डिज़ाइन है। बाकी इंटीग्रेटर आपको फ्रंट में हेडजस्ट देखने को मिल जाते हैं आपके हेडर्स वगैरह, और हाइट एडजस्टेबल आपको इसमें सीट देखने को मिल जाती है। अंदर टायर सपोर्ट की बात करें तो वो भाई एक नंबर आता है, फैब्रिक सीट्स भले हैं यहाँ पर कम्प्लीटली जो देख रहे हो सीट, यहाँ भाई हल्का सा देखता हूँ हार्ड हल्के फैब्रिक है कि लेदर है, फैब्रिक ही है भाई, साइड साइड में यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी गाड़ी यहाँ पर एक नंबर देखने को मिलती है। सीटिंग की भाई बात करें अगर
तो भाई अंदर की हम लोग बात करते हैं, बंद करें जरा, सन्नाटे में हम लोग आते हैं। तो भाई सीट पीछे करने के बाद, सीट की अगर बात करें पीछे करने की, तो उतनी कोई खास ज़्यादा पीछे नहीं होती मेरे हिसाब से। बाकी स्टेयरिंग व्हील आपने सामने देख रहे हो। ये भाई सबसे पहले करते हैं कितना भाई मूव होता है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है, क्या है। नीचे होने के बाद टिल्ट आपको देखने को तो मिल ही रहा है, बस भाई टिल्ट ही है, टेलीस्कोपिक इससे उम्मीद ना करें, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ आपको देख रहे हैं आपके भाई पूरे इन्फोटेनमेंट कंट्रोल, जो लोग भाई आपका इन्फोटेनमेंट है यहाँ पर, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले सपोर्टेड है। टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका है, रेडियो मीडिया वगैरह सारे आपको यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। वही जो इनकी पहले में यूज़ होता था वो काफ़ी वही वाला सीन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और बाकी मीटर की बात करें तो भाई 220 तक की स्पीड, और बाकी यहाँ पर 8000 तक का RPM देखने को मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भाई वाइपर से कंट्रोल वगैरह, और यहाँ आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भाई कुछ चीज़ हो गई भाई, पूरा भाई लेदर रैप आपको देखने को मिल जाता है, लेदर रेड है, लेदर रैप करके रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा सा ब्लू कलर का डिज़ाइन है। और बाकी भाई यहाँ बात करें तो भाई जी वैगन वाली स्टाइल में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको AC वेंट्स पूरे चारों ओर, आपको यहाँ पर फिनिश देखने को मिलता है आपके ग्लॉसी ब्लैक का, एंडन स्टार्ट बटन यहाँ देखने को मिलता है, साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपका बीम का लेवलर। ये चीज़ अच्छी है, ट्रैक्शन कंट्रोल ही नहीं, बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो भाई सारे ABS, EBD, ESP और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल आपने देख लिया है, और हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह हिल, तो भाई मतलब जितने भी सारे फीचर्स वगैरह हैं आपके सेफ्टी के, 6 एयरबैग, हालांकि ये भी आपको इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। सेफ्टी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं, सारे फीचर भाई कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी भाई इंटीरियर में आपको यहाँ तो कम्प्लीट दिखाई दिया, यहाँ की बात करूँ तो नीचे आपको 2 AC वेंट आपके यहाँ पर कुछ प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। ये आपके हो गए जलते हुए, आपके हजार्ड लैंप, ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर पूरा। नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ प्रकार से थोड़ा स्पेस, वायरलेस चार्जर तक इसमें आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो आप देख रहे हो वायरलेस चार्जिंग के लिए। यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर USB का, और बीच में आपको देखने को मिल जाता है ये आपका 12V का पोर्ट, आप जो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर लगाया गया है, बाहर से हटाओगे तो ये आपका 12V का पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। बाकी इसको फिर से इन कर देते हैं, और यहाँ पर 5-speed आपका मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर है नीचे, और यहाँ पर आर्मरेस्ट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैनुअली आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलती है। बाकी यहाँ ओपन करेंगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है यहाँ पर, जो कि कूल आता है, और बाकी एयरबैग की वहाँ पर बैजिंग है। ये थोड़ा सा स्टाइल जो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का दिया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और बाकी मैं बात करें ऊपर साइड तो यहाँ पर नॉर्मली से आपको देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर, माइक्रोफोन, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। पूरा पूरा भाई काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर दिया गया है ओवरऑल जो यहाँ पर लुक है। ये तो बात हो गई बाहर बाहर की, अब चलते हैं कम्प्लीटली इसके पीछे वाले साइड की, पीछे भाई कैसे स्पेस है, क्या कुछ देखने को मिलता है। पीछे की बात करें तो पीछे ओपन करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको वही नॉर्मल AC देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है AC कह रहा था भाई, यहाँ पर मैं आपके पावर विंडो देखने को मिलती है, नीचे आपको स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर यहाँ देखने को मिलता है। अंदर की बात करें तो भाई पूरा भाई आपका ग्रे कलर का पूरा डिज़ाइन, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं टॉप वेरिएंट में, आगे इंटीग्रेटर और पीछे आपको एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। लेग रूम की बात करें तो वो हमेशा से ही अच्छा रहा था, और जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी मतलब सेडान वाला स्टाइल में दिया गया है, कि आप आराम से पीछे टेक ले लीजिए, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो है ही। लेग रूम की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है, हेडरूम में भी कोई कमी नहीं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन आपका गया है यूं करके आगे तक, तो भाई काफ़ी अच्छा बनाता है। लाइट की बात करें तो यहाँ पर हैलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, पीछे रेयर में AC वेंट देखने को मिल जाता है, थोड़ी स्पेस 12V का पोर्ट पीछे देखने को मिल जाता है, और बाकी भाई वो सीट आ गई, ये मैंने पूरी पीछे कर ली थी तब भी यहाँ पर इतना अच्छा लेग रूम देखने को मिला है इसमें। बाकी यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन जो सीटिंग अपॉल्स्ट्री है यहाँ पर, जो अपॉल्स्ट्री का यूज़ किया गया सीट में, और जो यहाँ पर जितना इसका जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। पीछे से देखेंगे तो आपको ये पूरा देखने को मिलता है लुक वगैरह पीछे से। तो ये कुछ हो गया भाई कम्प्लीटली जो मैंने आपको दिखाया पीछे का। बूट की हम तो लोग बात कर लेते हैं, आते हैं इसके बूट पर। बूट को ओपन करने के लिए भाई नीचे से बटन दबाना है कुछ प्रकार से, और ये भाई बूट आपका रिलीज हो जाता है। सबसे अच्छा चीज़ लगा कि इस तरफ भाई जो आपकी हैचबैक है इसमें भी आपको बूट में यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके टॉप वेरिएंट में लैम्प, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा आपको मददगार साबित होगा। हुंडई की यहाँ पर आपको टूल किट, नीचे आपको टायर देखने को मिल जाता है जिसका सेक्शन भाई पूरा का पूरा 14 था, तो 14 ही है, कम नहीं किया गया है। बाकी भाई पार्सल ट्रे वगैरह भी इसमें देखने को मिलती है, डैम्पिंग वगैरह के साथ साथ कम्प्लीटली सब कुछ देखने को मिल जाता है। कुछ प्रकार से बंद करेंगे, एंड में भाई बात करते हैं इसके इंजन और इसकी प्राइसिंग के बारे में। सो भाई एंड में इसके इंजन की अगर हम लोग बात करें तो भाई 1.2 लीटर का वही इंजन देखने को मिल जाता है, 4 सिलेंडर, जो कि आपको 82 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क, 14 Nm जो आप मानते हो वो टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी भाई
एवरेज जो है सिटी में पेट्रोल में आती है, सीएनजी में भी आती है, लेकिन ये आपका पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हैं, सीएनजी आपको स्पोर्ट्स में मिल जाएगा, स्पोर्ट्स सीएनजी वेरिएंट मिलता है। टॉप वेरिएंट अस्टा में यहाँ पर पेट्रोल में देखने को मिल जाती है। बाकी भाई बात करें तो 16 किलोमीटर की एवरेज भाई कंपनी क्लेम करती है इस पर। प्राइस की बात करें तो भाई 7,93,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड की बात करें, यहाँ पर हम लोग भाई कानपुर में हैं, तो कानपुर की भाई यहाँ पर जो पड़ रही है तो 8,97,000, मोटा मोटा 9 लाख रुपये आप मान लो भाई, कम्प्लीटली 9 लाख रुपये की ऑन रोड आपको पड़ जाती है ग्रैंड आइटन न्योस एस्टा टॉप वेरिएंट। तो ये कुछ वीडियो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।